नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबर। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली में पुरानी रंजिश चलते 28 वर्षीय होमगार्ड हरेंद्र यादव की जमकर पिटाई की। इस पिटाई से होमगार्ड का सर फट गया है और गंभीर चोट आई है। घायल होमगार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल होमगार्ड का इलाज चल रहा है। पिटाई करने वाले लोगों ने गोली भी चलाई। पीड़ित होमगार्ड हरेंद्र यादव का कहना है कि फायरिंग की गई पर गोली सिर के ऊपर हिस्से से निकल गई, जिसके बाद धारदार हथियार से वराट से पिटाई की गई। हालांकि गोली चलने की बात को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। वही इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 25 दिन पूर्व 13 के कार्यक्रम में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बदले में आज यह दोबारा हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित हरेंद्र यादव का इलाज चल रहा है और मारपीट करने वाले कौरव सौरव सर्वेश सोनू और उनके दो साथी हैं। इन सभी के विरुद्ध 506 व 308 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शिवम यादव, क्या लगता है? हम इनके मतलब भाई लगते हैं। क्या घटना घटी थी, क्या हुआ? पहले झगड़ा हुई थी, मतलब वो सब घर पे आए थे मार उड़ करने, मार उड़ किए, फिर उन सबको थोड़ा बहुत चोट लगी, हम सबको भी लगी थी। फिर उसके बाद वो सब जाकर थाने पर FIR दर्ज करा दिए। फिर हम लोग गए 10 बजे के बाद, तो हम लोगों का नहीं हुआ वहाँ पर FIR। फिर वहाँ से हम यहाँ पर आए, हम लोग अपना बनवाए कागज वगैरह रेडी कर फिर दोबारा गए, तब भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो सब धमकी बार बार दे रहे थे कि मारेंगे, कहीं पर पाएंगे तो मारेंगे। आज सुबह में एप्लीकेशन भी दिए थे हम सब। फिर उसके बाद आज भैया सुबह में जा रहे थे काम पर, दूध लेकर, अब बीच रोड में रोक कर सब मारे इनको। मतलब पहले तारीख दे रहे थे, पुलिस को सुनवाई नहीं की आपने? नहीं, आज घटना घट गई। यस सर, अगर पुलिस सुनवाई की होती, देखी होती तो ये घटना नहीं होती। क्या नाम है आपका? कैलाशी। कहाँ रहने वाले हैं? मांदाला थाना सिधारी। क्या मामला हुआ? मामला हुआ कि पटीदारी में मार झगड़ा लड़का कैले रहने रहे, छोड़ौले के शांति हमारे लड़का के लिखा देना कुल अपन जा कुल हाजिर हो गई ने। आज लड़का के कहिए से धीरे धीरे तरना सा देखा मार देना पौना अकेले। हाँ, कौन लोग मारे? वो तीन चार गाड़ी पर पाँच छठोरा पिस्टर से मरना है। पिस्टर आवाज जब कैला तो हम कुछ दूरी रहनी, हम कुछ काम से जात रहनी है, लड़का देख लें घर से दूध लेके जात है, तो हम थोड़े जाने के लड़का के हमारे मार के सुता देने में, तब ले देखनी है भागत हमें चमरौटी के रास्ते देख लेनी है कि ये लबदा पहना लेके ये जात हैं। हमारा लड़का मार गए, अपने लड़का यहाँ दबर के हम गई हैं, तो हमारा लड़का अभी बागी में सुतावल पोखरी के हैं। चमरावट बहन बभनैया का चमार अहिर सब जनता चारों गाँव का जुट गई ना वहाँ। क्या नाम है इनका? हरिंदर सिनाचर। वो तो घर हैं इस पी के रहे ना होमगार्ड में दूध लेके। झगड़ा हमारे घर से कारण आ रहा है, मन बढ़ाई से मार दिया। हाँ, गुलाब चंद, मैं ग्राम प्रधान हूँ। अब घटना हमको फोन द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लोग बदली टंकी के पास हरिंदर यादव को मारपीट कर घायल कर दिए हैं। वहाँ पर मैं जाकर देखा हूँ हॉस्पिटल पर, डॉक्टर का नाम दिल्लाम के, तो यहाँ तब तक पुलिस आ गई थी। पुलिस वहाँ अपने साधन से ला करके सदर अस्पताल में भर्ती की है। क्या मामला था? अब उन लोगों का आपसी रंजिश है। आपसी रंजिश करने का कौन ये बीच बचाव कहीं करने का थे, किस मार्ग पहले घटना घटी तो उसमें बीच बचाव करने गए थे, अब इधर उनको पा करके सब मारे हैं। धमकी मिल रही थी, बताते थे हमको, अरे जान से मारने की धमकी मिल रही थी हमको, लोग प्रधान के नाते बताते थे कि फला फला धमकी दे रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में नहीं है।